बैक टू माय चैनल इंजीन कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है लोड सेल को हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मैं बिट प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूँ कि लोड सेल को हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चेक करने से पहले आपको बताता हूँ, चेक करने के लिए जो है ना, मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर एक यूज़ में लिया है और एक 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ में लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि लोड सेल को हम कैसे चेक करेंगे कि लोड सेल हमारा डेड है या अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो 2 लोड सेल मैंने लिया है, पहला लोड सेल जो है मेरा ये 100 kg का है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये लोड सेल मेरा 100 kg का है। एंड सेकेंड लैप जो लोड सेल मैंने लिया है, ये 200 kg का लोड सेल लिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, इस लोड सेल में दोस्तों सबसे पहले देखने वाली चीज़ जो होती है, वो चेक करने वाली चीज़ होती है कि इस लोड सेल के अंदर से 4 वायर निकल करके आते हैं। ठीक है, ये 4 वायर निकल करके आते हैं। इस 4 वायर में से रेड एंड जो वाइट होता है, ये आउटपुट के लिए होता है, और ब्लैक एंड ग्रीन जो वायर दिख रही है आपको, ये इनपुट के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, और ये शील्डेड है, ये शील्ड अर्थिंग के लिए होता है। आपको हमेशा याद रखना है, रेड एंड वाइट आउटपुट, ग्रीन एंड ब्लैक या ब्लू जो भी हो सकता है, ये हमेशा इनपुट के लिए होगा। इनपुट की सप्लाई हम यहाँ से देते हैं और रेड एंड वाइट से जो है हमें आउटपुट मिलने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको मल्टीमीटर को। सबसे पहले हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सबसे पहले हम ओम पे लेकर जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने मल्टीमीटर को ओम पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले नंबर हम दोनों को अलग अलग करेंगे, इनपुट और आउटपुट को अलग कर देंगे। रेड एंड वाइट आउटपुट एंड ग्रीन एंड ब्लैक इनपुट है। तो सबसे पहले मैं इनपुट में चेक करूंगा कितना ओम दिखा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इनपुट पर टच किया है ग्रीन एंड ब्लैक पे, ग्रीन एंड ब्लैक पे जो है 283 इसका ओम्स निकल करके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको नेक्स्ट पे चेक करेंगे, हम आउटपुट पे वाइट एंड रेड पे। ठीक है दोस्तों, अब वाइट और रेड पे देखिए, यहाँ पे देखिए 283.9 निकल के आ रहा है, 284 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स कि ये जो हमारा लोड सेल है, ये बिल्कुल ओके है। ओके के लिए दोस्तों, इनपुट वर्सेस आउटपुट का जो ओम्स निकल के आएगा, दोनों का ओम्स सेम होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब कि हमारा लोड सेल सही नहीं है। अब डिफरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसा कि सर्किट आप देख पा रहे हैं, सर्किट जो मैंने आपको शेयर किया है, लोड सेल की जो 2 वायर है ना, यहाँ से निकलती है, 2 वायर यहाँ से निकल के आती है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ठीक है, तो दोनों का आउटपुट सेम निकल के आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चलिए, ये मल्टीमीटर से मैंने चेक कर लिया है। अब दूसरा हम इसको चेक करते हैं इनपुट पे 9 वोल्ट की सप्लाई दे करके देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ठीक है ना, मैंने इसकी इनपुट पे 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये 9 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है। अब मैं इसको डीसी वोल्ट पे मल्टीमीटर को भी हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख पा रहा है, मल्टीमीटर मेरा इस समय बिल्कुल 0 0 पे है, 0 वोल्ट डीसी पे। ठीक है, अब हम इसके आउटपुट में, जैसा कि मैंने कहा था कि रेड एंड वाइट आउटपुट है, आउटपुट में मल्टीमीटर को हम लगाते हैं। सॉरी, इनपुट इसका निकल चुका है, दोबारा से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि बीच में हमें डिस्टर्ब ना करे ये। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ये मैं इसके आउटपुट में लगाया हूँ और आउटपुट में आपको क्या निकल के आ रहा है। आउटपुट में भी ये 1 वोल्ट डीसी आपको दिखा रहा है, यानी कि 9 वोल्ट डीसी ये जा रहा है आउटपुट में भी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से 9 वोल्ट की बैटरी से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर लोड सेल आपका ख़राब होगा, तो जब इनपुट हम सप्लाई देते हैं, तो आउटपुट में जो है आपको कोई भी डीसी वोल्ट जो है नहीं दिखाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चल ठीक हो, ये हो गया। अब इसके बाद लोड सेल में एक चीज़ और, मैं एक मेजर इश्यूज़ आपको बताता हूँ। एक मेजर इश्यूज़ भी कई बार आती है। कई बार क्या होता है लोड सेल में, आपको जब किसी लोड सेल को आप किसी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं,
तो इसका वेट चारों कोने पे बिल्कुल सेम नहीं आता है। तो उस केस में क्या करना है आपको, लोड सेल के अंदर में आपने ये देखा होगा, ये इस तरह के दो पॉइंट बने होते हैं, इन पॉइंटों को आपको कॉर्नरिंग करना होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी इन्होंने कॉर्नरिंग कर रखा है, इस तरह के कॉर्नरिंग आपको कर करके लोड सेल को भी आपको एडजस्टमेंट करना कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे कोई भी हमारी वीडियोज़ अगर आती है, टेक्निकल वीडियोज़ आती है, तो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक यू।